Today we are going to solve question number 5 of exercise 8.2. Chapter is again quadrilaterals. Here we are given a parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram with E and F are the midpoints of two sides of the parallelogram. See, in a parallelogram ABCD, A, B, C, D, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. E is the midpoint of AB, F is the midpoint of CD. Given में हमने mention कर दिया. Then show that line segments AF and EC. AF, EC. These two line segments. Trisect the diagonal BD. Now trisect. Trisect क्या है? Trisect means to divide into three equal parts. This one is AE. This one is AF and CE. These two line segments trisect the diagonal BD. Trisect means one part, two part, three part. We have to prove all the three parts are equal. ये जो three parts diagonal के हो रहे हैं हमें prove करना है कि these three parts are equal. DP equal to PQ equal to BQ. तो यही हमें prove करना है. Very interesting. No doubt simple question. Firstly, we have clearly discussed midpoint theorem and converse of midpoint theorem, and we are going to use the same again in this question. See, ABCD is a parallelogram given. Now ABCD is a parallelogram, it means AB is parallel to DC, AB is equal to DC. अगर AB और DC दोनों equal हैं, दोनों parallel हैं, मैं AB का half, E is the midpoint, it means AE is half of AB and CF is half of DC, क्योंकि ये दोनों midpoints हैं. So अगर AB और DC equal हैं, इन दोनों का half करेंगे, वो result भी equal होंगे. AB का half AE और DC का half CF, ये दोनों भी equal होंगे. AE is equal to CF. Secondly, if AB is parallel to DC, it means AE और CF ये भी दोनों parallel होंगे. अब आप देख रहे हैं AE parallel to CF होगा, AE equal to CF होगा. That is ये जो green color में आपको quadrilateral नजर आ रही है, इसका एक pair opposite sides का एक pair ये equal भी हो जाएगा, ये parallel भी हो जाएगा. If one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then the quadrilateral is said to be a parallelogram. यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, AECF parallelogram बन जाएगी. जब AECF parallelogram बन जाएगी तो वहाँ से एक और result आ जाएगा, AF equal to CE. AF equal to CE and AF parallel to CE. यहाँ तक पहले कर लेंगे हम, AECF को parallelogram prove कर देंगे, उसके बाद आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे. हियर ए बी इक्वल टू सी डी. सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों गिवन है. ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी. रीजन दे सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल. तो इसको मैं अगर यहां ले जाऊं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. ओके, नाउ ए बी का हाफ, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. हाफ ऑफ ए बी, ए बी का हाफ मतलब ए ई इज इक्वल टू सी डी का हाफ मतलब एफ सी. ए ई इक्वल टू एफ सी. देन ए बी पैरेलल टू सी डी हमने कहा, ए बी पैरेलल टू सी डी. अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, इट मीन्स ए बी का मैं कुछ पार्ट ले लेता हूँ ए ई. पैरेलल यहां से सी डी का कुछ पार्ट ले लेता हूँ एफ सी. तो यहां से क्या हुआ, इसको फिर से लिख सकते हैं ए ई पैरेलल टू एफ सी. आप लिख सकते हैं दैट इज वन साइड ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, इसका एक पेयर इक्वल भी हो गया, ए ई इक्वल टू सी एफ और ए ई पैरेलल टू सी एफ. व्हेन वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई. जब ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसका जो सेकंड पेयर है ए एफ और सी ई, ये भी पैरेलल हो जाएगा.
AF is parallel to EC. AF is parallel to EC. ये पेयर भी हमारा पैरेलल हो जाएगा. अब हमें प्रूव करना है DP equal to BQ equal to BQ. तो इसके लिए आप देखेंगे, फर्स्टली मैं कोई एक ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी पी. आप देखेंगे वी हैव ट्राइंगल. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ए पी बी, देखिए इस ट्राइंगल में क्या है, ए पी बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. दिस वन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ये मिड पॉइंट है. ए ई ए एफ और ई सी दोनों पैरेलल हैं, अभी हमने डिस्कस किया. ए एफ इज पैरेलल टू ई सी. अगर ए एफ ई सी के पैरेलल है तो मैं ए एफ का पार्ट कर लूँ ए पी और ई सी का पार्ट कर लूँ ई क्यू. ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे. ई पी, ई पी इज पैरेलल टू ए पी. आप कह सकते हैं ऐसा, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल हैं. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. इसका मतलब ये जो थर्ड साइड है कि बाइसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट का नाम है क्यू. ये बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट मीन्स पी क्यू इक्वल टू बी क्यू. यही मैं यूज करूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए पी बी. इन ट्राइंगल ए पी बी यहाँ क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड और क्या है, ई क्यू पैरेलल टू ए पी. अगर यहां कोई डाउट हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए एफ पैरेलल टू ई सी हमने कहा था, मतलब ए एफ और ई सी पैरेलल है, तो ए एफ का पार्ट ए पी और ई क्यू पैरेलल हो जाएंगे. यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू एंड इसके बाद आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट ना भी डालें तब भी कोई इश्यू नहीं है. ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू और यहां से आप देखेंगे फिर से ए एफ पैरेलल टू ई सी है, तो ए एफ का ये पार्ट भी लिख सकता हूँ, ई पी पैरेलल टू दिस वन सी क्यू, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो पार्ट्स हैं वो भी पैरेलल होंगे. ओके, ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, ई क्यू इज पैरेलल टू ए बी. ये मिड पॉइंट गिवन है, ये दोनों पैरेलल हैं, दिस वन इज आल्सो गिवन. सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने एमपीटी लिख दिया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, पी बी इसका. मिड पॉइंट मीन्स क्यू मिड पॉइंट का मतलब हो गया पी क्यू इक्वल टू बी क्यू. उसके बाद अब इस ट्राइंगल में आ जाएंगे हम, ट्राइंगल डी क्यू सी. सी दिस वन वी हैव ट्राइंगल डी क्यू सी. अब डी क्यू सी में क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देन पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू या एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू. यहाँ हमने डिस्कस किया, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, एक मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल हैं, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू लिखूंगा. सिमिलरली इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इसमें क्या है,
f is the midpoint of CD. Midpoint of CD. F is the midpoint and FP is parallel to CQ. FP is parallel to CQ. अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमने सिमिलरली वर्ड यूज कर दिया है. देयरफॉर वी कैन से P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ. हमें लिखना था P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ. ऐसा हो गया. एक बार फिर चेंज कर रहा हूँ. हियर वी हैव F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP is parallel to CQ, therefore P is the midpoint. P किसका midpoint हो जाएगा? DQ का. अब P midpoint होने का मतलब है DP equal to PQ. Now suppose this one is equation number 1, this one is equation number 2. From these two equations, from equation 1 and 2, क्या रिजल्ट आ रहा है दोनों इक्वेशन से? देखिए PQ और BQ इक्वल, PQ और BQ इक्वल, आगे PQ और DP इक्वल, मतलब हमारे पास थ्री पार्ट्स है, 1, 2, 3. एक पार्ट दूसरे के बराबर, दूसरा पार्ट तीसरे के बराबर, एक पार्ट दूसरे के बराबर, दूसरा पार्ट तीसरे के बराबर. इसका मतलब ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. देखिए PQ BQ कॉमन है, इट मीन्स DP और BQ भी इक्वल होंगे. सो वी कैन से DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ. ये हमें प्रूव करना था एंड वी प्रूव द रिजल्ट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. Now question number 6. Question number 6 solve करेंगे. In question number 6 क्या है हमारे पास? Show that the line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral. It means we are given a quadrilateral. Show that line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. So firstly हम क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे. कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी शेप ले लेंगे. शेप नहीं गिवन है, कोई भी और ना ही ये शेप बुक में गिवन है, दैट्स व्हाई आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं. Okay, this one is a quadrilateral. A, B, C, D is a quadrilateral. Now, midpoints of opposite sides. Aisa karte hain. P, Q, R, S. Suppose these are the midpoints. Agar ye sare ke sare midpoints hain, ab question aapko kya keh raha hai? Show that line segments joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Opposite sides of quadrilateral को join करने वाले, देखिए line segments joining the midpoints of opposite sides. These two are opposite sides. तो इनके midpoints को join करने वाला एक line segment, this one. ये है midpoints को join करने वाला. After that, ये भी opposite sides हैं. इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला भी एक लाइन सेगमेंट. तो आपको प्रूफ क्या करना है? दीज टू लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स? पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर. अब बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होगा? बाइसेक्ट मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट का नाम ओ रख दूं, हमें प्रूफ क्या करना है? ओ आर इक्वल टू ओ पी एंड ओ एस इक्वल टू ओ क्यू. यहां लिखेंगे गिवन. क्या
क्या गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन विच, और क्या है इसमें, पी क्यू आर एस, दीज आर द मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं, पी ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नेक्स्ट वन बी सी, सी डी, ए डी, रिस्पेक्टिवली लिख दें यहाँ पे, दीज आर द मिड पॉइंट्स। इसको यहाँ से इरेज कर दें, रिस्पेक्टिवली यहाँ लिखेंगे सच दैट, और क्या गिवन है यहाँ पे, पी आर एंड क्यू एस आर जॉइंट, या फिर पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम कोई एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे फर्स्टली, एंड देन ऐसा करेंगे, फर्स्टली मैं ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करूंगा, पी क्यू को ज्वाइन किया, देन क्यू आर आर एस एंड पी एस, इन सबको ज्वाइन किया, एंड देन डायगोनल थ्री डी को ज्वाइन किया। यू कैन ड्रॉ ऑल दिस इन डॉटेड लाइन्स, कंस्ट्रक्शन पार्ट को आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, अगर आप प्रॉपरली ये ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, और दीज आर क्यू एस एंड पी आर, दीज आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सिंपली मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं, क्वाड्रिलेटरल को कोई नाम नहीं दे सकते, कोई स्पेशल टाइप नहीं कह सकते, पी क्यू आर एस दिस वन इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड दीज टू आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस क्वेश्चन, हमने कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या ली, ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन किया, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी एंड डायगोनल बी डी, इतना हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ प्रूफ, नॉट अ डिफिकल्ट प्रूफ, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर वन। फर्स्टली हम ऐसा करेंगे, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देता हूँ, एंड वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जब मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर लूंगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, यही हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर। सो फर्स्टली हमें पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सो वेरी सिंपल, आप देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर वन में हमने किया था, वी हैव अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, एंड इन दिस ट्राइंगल पी इज द मिड पॉइंट। देख रहे हैं आप, ट्राइंगल ए बी डी, बी मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट, दीज टू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है, बी एस इज पैरेलल टू बी डी, बी एस इज हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
तो पी एस पहले जो बी डी हो जाएगा, पी एस हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी क्या होगा, आर इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट से क्यू आर पहले जो बी डी हो जाएगा, क्यू आर हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। जब दोनों कंडीशंस को हम, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस इक्वल टू क्यू आर, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गई तो हम ये रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे। फर्स्टली ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या है, इस ट्राइंगल में P is the midpoint, S is the midpoint. P is the midpoint of AB and S is the midpoint of, S किसका midpoint है, AD. Therefore by midpoint theorem क्या होगा, midpoint theorem से PS is parallel to BD, PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD, यह midpoint theorem की statement है। I hope clear होगी सबको। Now इस triangle में, triangle BCD, इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ऐसा हो गया, therefore by midpoint theorem क्या होगा, theorem से QR parallel to BD and QR is equal to half of BD. We have discussed from the beginning of this chapter, this exercise, exercise से पहले दिन या फिर midpoint theorem में हमने ये discuss किया था, midpoint theorem and its converse are very important to solve all the problems. तो आप देख रहे हैं अगेन एंड अगेन, कभी मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है, कभी उसका कन्वर्स यूज हो रहा है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर टू। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करते हैं, आप देखिए पी एस बी डी, पी एस बी डी पैरेलल भी है, उसके बाद पी एस क्यू आर और बी डी पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एस और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। क्या रिजल्ट आएगा, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, एंड यहां से आप देख रहे हैं पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, सो पी QRS is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. ये parallelogram proof हो गई. Now, we know diagonals of a parallelogram bisect each other. Parallelogram के diagonals bisect करते हैं, it means PR and QS, ये दोनों diagonals हैं, hence PR and QS bisect each other. यही हमें प्रूफ करना था, पी एस हमने लिखा था, पी आर लिख देंगे यहाँ पे आप, पी आर एंड क्यू एस
पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, ये करेक्शन आपको लेना है, यहाँ पी आर लिखना है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.2 का। अब एक ही क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज 8.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।